जानकी माता ने कहा कि बेटा मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, लंका जल गई पर तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जल, पूंछ जलने की कौन कहे। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथलेश दुलारी। जानकी माता ने कहा लंका जलाने के बाद भी तुम्हारी पूंछ नहीं जली। बोले कपि ही राघव आगे हैं। हृदय में राम जी बैठे हैं और शारीरिक संरचना में हृदय आगे है और हृदय में बैठे हैं राम जी। बोले कपि ही राघव आगे हैं, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे हृदय में बैठे हैं राम जी, पीछे हमारी पूंछ है। अर्थ सीधा सा है कि राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। और कितनी अद्भुत बात है, जो राम जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है उसे पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उसके पीछे पड़ जाता। जानकी माता ने कहा फिर भी हनुमान यह तो तुम्हारी विशेषता है, लेकिन विनम्रता से ऐसा बोल रहे हो, फिर ये लंका तो सोने की, यह तो जलनी नहीं चाहिए आग में, सोना कहीं आग में जलता है। हनुमान जी बोले साधारण आग लगी होती तो लंका ना जलती, कौन सी आग लगी थी। पावक देहु लगाए, पावक जरत देखे हनुमंता, ये बार बार पावक क्यों कहा जा रहा है। हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, ये भगवान के क्रोध रूपी पावक में लंका जली है। जो निर्दोष और जो असहाय असमर्थों के घरों में आग लगवा दे, रावण ने यही किया, जय जय देश धैन दुज पावई नगर गांव पुर आग लगावई। जो ऐसा अत्याचार करता है उसना उसका अपना घर भी सोने का भी क्यों ना हो तो भी बिना जले रह नहीं सकता, यह संकेत है। अजय एक अद्भुत बात, हनुमान जी महाराज ने कहा कि पावक ने लंका जलाई, आपका भगवान का क्रोध ही पावक है। सीता मैया बोली तो आग तो अपने पराये को नहीं देखती, जो आ जाए उसी को जला देती है। हनुमान जी ने कहा कि माता उस पावक में जलाने की शक्ति है पर बचाने की भी शक्ति बैठी थी, आग में बचाने की शक्ति कौन। हनुमान जी ने कहा कि माता श्री राम जी ने आपसे ही तो कहा था तुम पावक मां करो निवासा, तो आप भी तो उस पावक में बैठी हुई थी इसलिए मैं बच गया, मुझको तो आपने बचाया आपकी कृपा ने। और जैसे पावक में रहकर आप नहीं जली तो मैं कैसे जलता। जानकी माता बोली मैं तो प्रभुपद ही धरी अनल समानी, इसलिए नहीं जली, भगवान के चरणों को हृदय में रखकर आग में बैठ गई, पावक में बैठ गई। हनुमान जी बोले माता आप भी जानती थी कि मुझे भी पावक का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपने पहले ही कह दिया रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मैं भी राम जी के चरणों को हृदय में रखे हुए था। हनुमान जी महाराज राम जी को संदेश देते हैं और यही कहते हैं नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, यह मेरी प्रभुता नहीं है, यह तो आपकी कृपा है। भगवान अत्यंत आनंदित होते हैं। पूरे सुंदरकांड के बाद आगे के प्रसंग भी देखें तो सब जगह हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं, चाहे विभीषण जी की शरणागति हो, चाहे सुखेन वैद्य और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देने की हो, सब जगह। और जब रावण आदि राक्षसों पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली तो जानकी माता को संदेश देने हनुमान जी गए, रघुपति दूत जानकी चीन्हा और यही कहा सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसो हनुमंत। श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में समस्त सदगुण निवास करते हैं, जानकी माता ने ऐसा कहा।